एक बार की बात है, एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड रहा करता था। वे अपने जीवन से खुश और संतुष्ट थे, जब तक कि कालू नाम का एक लालची कौवा नहीं आया। एक दिन टुनटुनी एक छोटी लेकिन बहादुर चिड़िया ने कालू को अपने साथियों से बात करते हुए सुना। कालू भाई, बहुत भूख लगी है। अपन तो दूसरे जंगल से आए हैं, यह खाना कैसे मिलेगा? चिंता मत कर मेरे यार, अपन लोग जंगल के दूसरे पक्षियों का खाना चुरा लेंगे। टुनटुनी चिड़िया को पता चल जाता है कि कालू कौवा अपने साथियों के साथ दूसरे पक्षियों का खाना चुराने की दुष्ट योजना बना रहा है। टुनटुनी ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए जितने हो सके उतने पक्षियों को इकट्ठा किया और उन्हें कालू की लालची योजना के बारे में बताया। हमें कालू को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, वह हमारा सारा खाना चुराने की योजना बना रहा है। दूसरे पक्षी डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। अरे भैया, लेकिन हम उसे कैसे रोक सकते हैं? वह हमसे बड़ा और मजबूत है। वैसे तो मैं उसे एक बार में ही हरा सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों से जिम नहीं गया हूँ, इसलिए थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से जंगल से खाना इकट्ठा कर पाता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ आज से खाना खाना ही छोड़ दूँ। हम अपने दम पर उसे हराने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम जंगल में किसी की मदद तो मांग सकते है ना? पक्षियों ने उत्सुकतावश पूछा, किससे मदद मांग सकते हैं? जादुई चंदन का पेड़। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियाँ होती है जो कालू को हराने में हमारी मदद कर सकती है। वे चंदन के पेड़ के पास उड़कर गए और अपनी सारी दुर्दशा बताई। पेड़ ने ध्यान से सुना और उनकी मदद करने को तैयार हो गया। मैं चंदन से बना एक जादुई पाउडर बनाऊंगा जो कालू और उसके साथियों के लिए तुम सभी को अदृश्य कर देगा। पक्षियों ने चंदन के पेड़ की बात सुनी और वो बहुत आश्चर्यचकित थे और वे चंदन के पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पेड़ जी, हम आपकी मदद को कभी नहीं भूलेंगे। पक्षी चकित और निश्चिंत थे। उन्होंने देखा कि चंदन के पेड़ ने अपनी शाखाओं को लहराया और एक जादुई पाउडर बनाया। यह पाउडर आप सभी को कालू के लिए अदृश्य बना देगा, वह आपको देख या सुन नहीं पाएगा। धन्यवाद पेड़ जी, हम आपकी मदद को कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन कालू और बागी बगुला पक्षियों का भोजन चुराने के लिए जंगल में पहुँचे, लेकिन जब उन्हें आसपास कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दिया तो वे भ्रमित और निराश हो गए। जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कालू भाई, शायद वे उड़कर दूसरे जंगल भाग गए। नहीं, वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, देखते रहो। लेकिन उन्होंने जहाँ भी देखा उन्हें कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ, हमने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया है। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बात सुन रही होती है। टुनटुनी चिड़िया फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वह दोनों पक्षी बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और वह भोजन ढूंढते ढूंढते हमारे जंगल में आए हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। इस गर्मी के समय में भूखा रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये लो, यह जादुई तरबूज है। सारे पक्षी इस जादुई तरबूज को गर्मी के मौसम में खा लेना, यह तरबूज कभी भी खत्म नहीं होगा। अंत में टुनटुनी चिड़िया उस जादुई तरबूज को कालू कौवे और बगुले को देती है, जिससे कालू कौवा और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया और उसके साथियों के दोस्त बन जाते हैं।
सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों पिंकी चिड़िया, लूसी कबूतरी और बनारसी तोते के साथ एक पेड़ पर रहती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, यह देखो, मैंने आम की रोटी बनाई है। यह आम की रोटी मैंने पहली बार बनाई है, जरा चख करके बताओ तो। सारे पक्षी आम की रोटी को चखते हैं। वाह, यह आम की रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। वैसे भी आम का मौसम नजदीक आ गया है, अब तो कई दिनों तक टुनटुनी के हाथ की आम की रोटियां खाने मिलेंगी। आज तो मैंने थोड़ी ही बनाई है, कल मैं ढेर सारी रोटियां बना कर लाऊंगी। लेकिन उसी शाम को सुंदरवन में शहरी जंगल से एक बदमाश कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के दोस्तों को तंग करना शुरू कर देता है। कालू कौवा लूसी कबूतरी के घोंसले को भी तोड़ देता है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया से भी मारपीट करता है और कालू कौवा बनारसी तोते का खाना चुरा लेता है। इस जंगल में मुझे आम का पेड़ अभी तक नहीं दिख रहा है। जब तक मुझे आम का पेड़ नहीं दिखेगा, मैं जंगल के पक्षियों को तंग करूंगा। अगले दिन सारे दोस्त टुनटुनी चिड़िया से मिलते हैं और कालू कौवे के बारे में उसे बताते हैं। तुम लोगों की बात सुनकर मुझे यह समझ में आ रहा है कि कालू कौवे को आम बहुत पसंद है। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों के घोंसले पर फिर से हमला करने आ जाता है। आइए कालू कौवे जी, मुझे पता है आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। यह लीजिए स्वादिष्ट आम की रोटी। वाह, आम की रोटी! आम की रोटी खाने में तो बहुत मजा आएगा। कालू कौवा आम की रोटी खाता है। अरे वो चिड़िया, रोटी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, यह आम की रोटी तुमने कैसे बनाई, जरा मुझे भी तो बताओ। यदि मैं आपको आम की रोटी की रेसिपी बताऊं तो क्या आप मेरे दोस्तों को तंग करना बंद कर दोगे? हाँ, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को आम की रोटी की रेसिपी बता देती है, लेकिन अगले दिन से कालू कौवा आम की रोटी खुद बनाकर खाता है और अधिक पहले से हट्टा कट्टा बन जाता है। टुनटुनी, तुमने तो हमें मुसीबत में डाल दिया। वह कालू कौवा अब आम की रोटियां खाकर और भी हट्टा कट्टा हो गया है। अब तो वह हमें रोज तंग करने आ जाता है। अरे भैया, अब हमें इस जंगल में नहीं रहना चाहिए, वरना वह कालू कौवा तो हमें मार डालेगा। अगले दिन सारे पक्षी वह जंगल छोड़कर चले जाते हैं। अब जंगल के सारे आम के पेड़ और आम की रोटी पर मेरा अधिकार हो गया है। हा, 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 हा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक सुंदरवन में कुछ दिनों बाद एक नई चिड़िया आती है। तुम कौन हो नई चिड़िया, और यहाँ क्या करने आई हो? मेरा नाम रानी चिड़िया है और मैं यहाँ मसालेदार आम की रोटियाँ बेचने आई हूँ। मसालेदार आम की रोटियाँ, जरा मुझे एक रोटी देना। कालू कौवा मसालेदार आम की रोटी खाता है। वाह, ऐसी आम की मसालेदार रोटियां तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे ओ रानी चिड़िया, सारी रोटियां मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, यह लीजिए सारी रोटियां खा लीजिए। वैसे आज तक किसी ने भी 10 रोटियां एक साथ नहीं खा पाया है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसा हट्टा कट्टा कौवा भी एक साथ 10 रोटियां खा पाएगा। ऐसी बात है, तो देखो अभी मैं तुम्हारी सारी रोटियां खाकर खत्म कर देता हूँ। कालू कौवा एक एक करके 20 रोटियां खा जाता है और उसका पेट फूल जाता है और वह एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा पाता। रानी चिड़िया असल में टुनटुनी चिड़िया ही रहती है, वह
तुरंत अपने दोस्तों को इशारा करती है और सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की जमकर पिटाई करते हैं और उसे सुंदरवन से भगा देते हैं। अंत में सारे पक्षी फिर से मसालेदार आम की रोटियां खाकर सुंदरवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।